शनिवार को हुई धुआंधार बारिश ने कई लोगों का बसा बसाया घर उछाड़ दिया। उसी श्रेणी में कलंदा अंतर्गत आने वाले पावन गांव क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर के निकटतम नाले पर पाइप खोजने के लालच में गया बच्चा डूब गया, जो अभी तक लापता है। शनिवार के गदेले और तेज बारिश वाले मौसम ने कई लोगों के बसेरे का नुकसान किया है, तो कई लोगों के घर में पानी भी घुस गया है। उसी श्रेणी में पावन गांव संभाग से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां नाले के बहाव में एक 12 वर्षीय बच्चा डूब गया, जो अभी तक लापता है। दरअसल शनिवार की दोपहर 12 वर्षीय श्रवण तुलसीकार अपने घर पर ही था, लेकिन जब उसने निकटतम नाले में बहता पाइप देखा तो वह उसे पकड़ने की जिद करने लग गया, जहाँ उसके दादाजी ने उसे मना भी किया, लेकिन भारी जिद के चलते बच्चा नाले की ओर गया और डूब गया। श्रवण की पारिवारिक पार्श्वभूमि देखी जाए तो कुछ सालों पहले उसके पिता चल बसे और माँ उसे अकेला दादा दादी के पास छोड़कर चली गई। तब से उसके दादा दादी ही उसका पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन शनिवार को घटी घटना ने उन्हें भी झंझोड़ दिया है। डूबा हुआ बच्चा अभी तक नहीं मिला है। जहाँ घटना की सूचना मिलते ही कलंदा पुलिस ने अपना NDRF दस्ता मौके पर भेजा और खोज अभियान को शुरुआत की गई, जो अभी भी जारी है, इस उम्मीद में कि आखिर बच्चा अपने मौजूदा हालत में मिल जाए। आपल्या कलंदा हद्दीमध्ये भरतवाड्याजवळ एक नाला आहे, त्या नाल्याला लागून एक मोठा नाला जातो, त्या छोट्या नाल्याच्या शेजारीच श्रावण विजय तुर्चीकर हा त्याच्या आजोबासोबत राहत होता आणि त्याचे वडील नाही आहे, आई आणि आजी सोबत तो तिथे राहायचा। त्या दिवशी खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला होता, सकाळी सर्व नदी नाल्यांना पूर आलेले होते। त्या मुलालाही त्या नाल्यामधून एक पाईप वाहत येताना दिसला। प्रत्यक्षदर्शी सांगतात की तो पाईप पकडण्यासाठी गेला, त्याच्या मागे त्याचे आजोबा ओरडत होते, परंतु त्याचा पाय घसरला आणि तो पाण्यामध्ये डुबला। त्याच्यानंतर आम्ही तात्काळ पोलीस विभागामार्फत जेवढे पोलीस स्टाफ होते तात्काळ शोध मोहिमेसाठी आम्ही तिथे पाठवले। NDRF टीमला तिथे पाठवण्यात आलं, फायर ब्रिगेडच्या टीमला तिथे पाठवण्यात आलं, परंतु पावसाचा जोर मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे NDRF टीम आणि इतर शोधक ज्या एजन्सीज आहे यांना काही अजून यश मिळालेलं नाही आहे। त्या संदर्भात आम्ही लोकल पोलिसांना नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस स्टेशनला याबाबत माहिती दिलेली आहे, कंट्रोल रूमला माहिती दिलेली आहे। तसेच हा नाला ज्या नदीला मिळतो त्या नदीच्या काठावर असलेले सर्व संबंधित पोलीस स्टेशनला याबाबत आपण फोटो आणि त्याबाबतची माहिती दिलेली आहे। या प्रकारचा शव अगर मुलगा मिळून आला तर तात्काळ कळवणार पोलिसांना कळवतील म्हणून आपण सर्वांना आवाहन केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।